अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिस्क क्रिकेट। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का कल वार्म अप मैच है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी कल के मैच में, और शाहिनशाह अफरीदी बैक इन एक्शन होने वाले कल के मैच में इंजरी के बाद, इसके बारे में बात करेंगे। फखर जमान भी कल क्या खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में वार्म अप मैच में, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाहिनशाह अफरीदी और फखर जमान कल प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, और शाहिनशाह अफरीदी तो खेलेंगे, फखर जमान का कहा जा रहा है उनसे सिर्फ बैटिंग कराई जाएगी। शाहिनशाह अफरीदी कल बैक इन एक्शन होने वाले हैं इंजरी के बाद, वो इंजरी के बाद अपना पहला मैच खेलेंगे, और अब देखना पड़ेगा कि शाहिनशाह अफरीदी किस तरह बॉलिंग करते हैं। अगर शाहिनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने विकटें ली, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, और पाकिस्तान के को बहुत ज़रूरत भी थी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, तो एक हमें मिल जाएगा। और हारिस रऊफ भी होंगे एक्शन में, नसीम शाह भी होंगे। कल हमारी मेन बॉलिंग खेलेगी जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगी, पहला मैच इंडिया के साथ है, तो वो कम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा। और फखर जमान को कहा जा रहा है कि सिर्फ बैटिंग कराई जाएगी और उनसे फील्डिंग नहीं कराई जाएगी, अभी उनका रिहैब चल रहा है, अभी वो मुकम्मल फिट नहीं हुए, लेकिन कहा जा रहा है उनसे बैटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और वार्म अप मैच में खेलेंगे जो इंग्लैंड के साथ है, और ये 1 बजे मैच शुरू होगा। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी वार्म अप मैच है, वो सुबह 9 बजे शुरू होगा। वार्म अप मैच में ये रूल होता है कि अगर बैट्समैन ज़्यादा रन बना लें तो रिटायर हर्ट कार्ड के, तो दूसरे प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं बैटिंग का, जो अच्छी बैटिंग कर लेता है, जो 6 स्कोर लगा देता है बोर्ड पे, उसको अगर 50 रन फर्ज करो मार दिया उसने, तो उसको रिटायर हर्ट कार्ड के दूसरे बैट्समैन को प्रैक्टिस मिल जाए। और 15 के 15 प्लेयर खेल सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग कर सकते हैं, और 10 ही आउट होते हैं इस मैच में। अगर कोई प्लेयर सेंचुरी मार दे वो काउंट नहीं होती, अगर कोई 0 पे आउट हो जाए वो भी काउंट नहीं होती, किसी रिकॉर्ड में नहीं आती, ये रूल होता है वार्म अप मैच का। और कल का आ जा रहा है डैम लिविंगस्टोन भी खेल सकते हैं कल के मैच में, जो पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम खेल कर गई थी उनकी वो मेन टीम नहीं थी, अब जो इंग्लैंड की टीम खेलेगी वार्म अप मैच में हमारे साथ वो उनकी मेन टीम होगी। जोस बटलर भी आए होंगे, बेन स्टोक्स भी होंगे, और सारे ही खेलेंगे मेन प्लेयर। रिजवान ओपन करने आ जाएंगे, बाबर आजम आ जाएंगे, फहद मान आ जाएंगे, नवाज आ जाएंगे, इफ्तार आ जाएंगे, आसिफ अली आ जाएंगे, शदाब खान आ जाएंगे, नसीम शाह आ जाएंगे, हारिस रऊफ आ जाएंगे, और शाहिनशाह अफरीदी आ जाएंगे। शान मसूद को प्लेइंग 11 में शायद मौका ना मिले, उनसे शायद बैटिंग वैसे ही करा लें अगर कोई अच्छे रन बना देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।